Now this video is just to alert you, to tell you there is all nonsense that is going on the YouTube regarding the IELTS changes. Of course, I am going to devote this video for the cue cards, the new cue cards that have come. But I want to warn you, there are channels, those who are saying there are, you know, changes in the IELTS pattern, and they are claiming things. Aray bhai, I am an ex-IELTS examiner. I am telling you again, don't believe these channels. Aapka nuksaan ho jayega. Okay? Of course, there can be some suggestions. There are certain things which I am going to tell you in this video, which you should not pay attention to. Okay? Uska dhyan mat do. As an ex-IELTS examiner, aapka nuksaan hoga. मैं क्यू कार्ड्स आपको पढ़ दूंगी जो जो आप यू शुड गेट यू नो रेडी विद देम. थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, और जो आपको क्यू कार्ड चाहिए, जो आपको लगे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई विल डू इट फॉर यू. ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू. गलत चैनल पे जाके बेटा अपना नुकसान नहीं करना. एक जो ये कह रहे हैं ना, अब तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या गलत हो रहा है. बेटा ऑफिशियल साइट में कोई नहीं है, ये कोई इंडिया में एग्ज़ाम कोई नहीं कर रहा, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई एनी अदर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं होगा कि भाई रातों रात चेंज हो जाएगा. आई डोंट नो व्हाट नॉनसेंस. आई एम अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, OET एग्जामिनर हूँ. इवन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जामिनर हूँ, तो ऐसे चेंजेस ऐसे नहीं आते हैं, इट इज़ ऑफिशियल. ये तो अगर ऐसा करने लगे तो पीपल विल स्यू देम, वो तो दे विल टेक देम टू द कोर्ट. और ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं यूट्यूब में, और इतने लोग दे रहे हैं, उनकी व्यूज आ रही हैं. प्लीज़ आप अपना नुकसान करेंगे. एक तो ये जो कह रहे हैं ना कि लेंथ ऑफ द यू नो स्पीकिंग इज रिड्यूस्ड, सी 14 मिनट्स है, अपना प्रिपेयर करके जाइए. दूसरा ये जो कह रहे हैं ना क्यू कार्ड जो 1 मिनट के लिए होता है, अरे अगर एग्जामिनर 1 मिनट से भी लेस आपको क्यू कार्ड पूछेगा ना, ही विल बी इन ट्रबल, है ना. और अगर 1 मिनट से लेस आपसे पूछना है या आपको वो क्यों ट्रबल में होगा, क्योंकि IDB कहेगा अरे आपने तो कैंडिडेट को आपने यू हैव नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, है ना. तो एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. इन लोग को पता नहीं है मैं एक्स आइल्स एग्जामिनर हूँ, और हमारा हेड एग्जामिनर होता है वो सब कुछ देखता है. इट इज़ यू नो इट इज़ गोज टू ऑस्ट्रेलिया. यस, दे आर नॉट टेलिंग यू अ ट्रुथ, बस आपको व्यूज चाहिए. एक तो ये नहीं आपने करना. एक ये जो कह रहे हैं कि वर्ड लिमिट जो ऐसे की है 150 से भी कम लिखोगे इट डजेंट मैटर, 250 से कम लिखोगे वर्ड लिमिट में राइटिंग में, वो भी आपने सुनना नहीं है. आपने वही वर्ड लिमिट रखना है. अननेसेसरी कई बार ये होता है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होती, और ऊपर से आप वर्ड लिमिट भी कम कर देते हो. तो एज एन एग्जामिनर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एम एन IELTS एग्जामिनर, इट रियली इफेक्ट्स योर स्कोर. तो एक तो ये नहीं करना. अब ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि फ्रॉम लास्ट ये जो हैं रीडिंग्स हैं उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना. ये क्वेश्चंस कर लो बेटा, प्लीज़. इंटरनेशनल एग्जाम है पूरी कंट्रीज में, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, हर एक जगह, सऊदी, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ ये एग्जाम हो रहा है. दे आर इन 100 countries इट इज टेकिंग प्लेस, एंड हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप यही क्वेश्चंस कर लो 4-5, और आपका हाँ ऑफकोर्स इफ यू वांट ओनली 6 band और 5.5 जिनका टारगेट ही ये है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. बट डोंट गेट कैरिड अवे प्लीज़. ये चीज़ मैं बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए मैंने आपको बतानी थी. अब मैं आपको क्यू कार्ड्स बता देती हूँ, प्लीज़ थोड़े से आइडियाज़ भी दे दूँगी, और ये भी बता दूँगी कि यहाँ पे आपने आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है क्यू कार्ड में, कहीं कहीं क्या क्या गलती कर सकते हो. आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, जो मेरी वीडियोज़ बहुत लॉन्ग होती है. एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड देन यू मस्ट सब्सक्राइब. ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इस चैनल पे आ गए हो, बिकॉज इट इज़ बीइंग डन बाय एन IELTS एग्जामिनर. और सेव तो आपको करना ही है, क्योंकि क्यू कार्ड्स हैं ये ऑल ओवर द कंट्री, मेरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रादर जो स्टूडेंट्स ने बताया है वही क्यू कार्ड्स हैं. ओके, और मेमोराइज बेटा बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ. सेव कर लो ये वीडियो,
आपको इसको प्रिपेयर अच्छे से करना है. एंड देन वन मोर थिंग इज चिल्ड्रन कीप आस्किंग मी मैम प्लीज़ कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें हम आपसे प्रैक्टिस करें, हम आपके टीचर से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते जैसे दूसरे चैनल्स करवाते हैं. इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली. तो ₹999 पर मंथ मेरा ये लॉन्च हो रहा है ग्रुप. इट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बेटा, तो क्वालिटी आपकी एश्योर्ड है. सो यू मस्ट जॉइन एंड इट इज़ स्टार्टिंग ऑन 4th of September. बेटा क्यू कार्ड्स जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच हैं, वो आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं. सम आर रियली वेरी डिफिकल्ट. ओके, और जो आप कहोगे मैं क्यू कार्ड आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगी. एग्जाम रिव्यूज़ तो आप देख ही रहे हो मेरे, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. दूसरे बेटे मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ बना रही हूँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. अब आपको क्यू कार्ड के मैं बता देती हूँ. आई शेयर दिस. सेव कर लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेटा. एंड दिस इज़ अ रीडिंग PDF फॉर द एकेडमिक. जनरल वाले भी ले सकते हैं क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. एंड इफ़ यू योर जो जनरल वालों का थर्ड वाला जो पैराग्राफ होता है ना बेटा, दैट इज़ सिमिलर टू द एकेडमिक. ठीक है, तो दे कैन ऑल्सो टेक. एट प्रेजेंट जनरल अवेलेबल नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर $399. मैंने 50% रिड्यूस कर दिया. ओके, द फर्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पिक्चर और फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली. सुनो, ये पहले भी आ चुका है, अब कहाँ गलत करोगे. वेयर दिस फोटो इज इन योर होम, मतलब आपके घर पे होनी चाहिए. ये नहीं आप बोलते जाओ कि भाई मेरा फोटोग्राफ ऐसा था. एंड हाउ दिस पिक्चर वॉज टेकन, ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है. क्यू कार्ड्स वो ना चेंज कर देते हैं, है ना, सो दैट जो आप मेमोराइज्ड हो आप एकदम वैसे वॉमिट ना करो. और ये मेरा जनरल आइल्स का राइटिंग का मॉड्यूल का है बेटा. यू कैन टेक दिस एंड इट इज़ रियली वेरी गुड. 7 bands आ रहे हैं बच्चों के, जस्ट यू हैव टू पे $599. ओके, नाउ डिस्क्राइब एन इंडोर गेम. अब मैं सिर्फ गलतियां बता रही हूँ कहाँ से आप गलत होने वाले हो. ठीक है, इंडोर गेम, ये नहीं कोई क्रिकेट गेम या हॉकी, ये मत कर देना. सो दैट मीन्स यू डू नॉट नो दिस व्हेन यू वर चाइल्ड. अच्छा, पहले था द गेम दैट यू एंजॉयड एज अ चाइल्डहुड, अब इन्होंने इंडोर कर दिया. अब उसमें आप लूडो कह सकते हो, है ना. इट इज़ ईजी, सबको मालूम है, स्नैक्स एंड लैडर्स इसको बोलते हैं. एंड हु यू प्ले विद इट, ठीक है, हाउ डिड यू प्ले, कैसे करते थे, वेयर डिड यू प्ले, अपने ड्राॅइंग रूम में, जहाँ पे भी. एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक प्लेइंग दैट गेम, क्योंकि सिंपल है, वॉट एवर. ठीक है, और बेटा ये तो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नो बडी शुड मिस. मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगी बेटे, एंड आई एम अश्योरिंग यू आपको, मतलब देयर इज गोइंग टू बी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट. और यू नो एक्चुअली द कोचिंग फीस इज 6,500, दोज हू ऑलरेडी नो मी, बट नाउ आई एम डूइंग इट फॉर दिस. इट इज़ अ प्रैक्टिस क्लब फॉर यू एंड प्रैक्टिसिंग विद एन एक्स आइल्स एग्जामिनर. एंड इट इज़ फ्रॉम 4th of September एंड एट 8 PM. सो रात को सारा काम कुम करके भी आप कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आई विल से आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस ऑफर. देन डिस्क्राइब अ पोल्यूटेड प्लेस, ये रिपीटेड है पर फिर भी बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये लगा दिया है. एंड इट इज़ ऑलरेडी यू नो आई हैव अपलोडेड इट. बहुत अच्छा मैंने हाई वोकैबुलरी वाला 9 वाला बैंड किया हुआ है. सो वेयर व्हेन एंड व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन यू सॉ, ये सारा मैंने व्हाट काइंड ये लोग नहीं डिस्क्राइब करते हैं. एंड एक्सप्लेन हाउ दिस प्लेस वॉज इफेक्टेड, ये भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. देन दिस इज बेटर द एकेडमिक राइटिंग मॉड्यूल एंड वेरी गुड वन. इट इज़ जस्ट फॉर 699. फर्स्ट इट वॉज फॉर 999 एंड नाउ आई हैव रिड्यूस इट टू 699. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज डिस्क्राइब समवन यू नो हु हैज़ रिसेंटली मूव टू अ न्यू प्लेस. अब कोई आपका रिलेटिव है वो कैनेडा चला गया है ना, मैं आइडिया दे रही हूँ. नाउ वॉट द न्यू प्लेस इज लाइक, इट कुड बी दैट वो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला गया, जैसे मैं लुधियाना से हूँ, है ना. वाई, क्यों, जॉब के कारण. एंड एक्सप्लेन वेदर ही और शी मूव हैज़ बिन पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो आपको भी लगता है कि हाँ उसकी लाइफ अच्छी है कैनेडा में या जैसे भी है, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू मूव. ये ऐसे करके आपको करना है. सो इफ़ यू वॉन्ट एनी पर्सनल
कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल बट ए ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ मैं ऑफलाइन, इट इज़ ओनली ऑनलाइन एंड अनलिमिटेड फीडबैक आपको मिलता है। इवेल्युएशन भी मैं करती हूँ बेटा, आप इवेल्युएट करवा सकते हो अपने स्पीकिंग और राइटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब अ मूवी दैट यू वुड लाइक टू वॉच अगेन। अब ये कौन सी मूवी होती है, कोई मैम कोई तो लेसन देने वाली, अरे नहीं, इवन इट कुड बी इंटरटेनिंग, है ना, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जैसे टू इडियट्स है, चलो वो तो कोई मैसेज भी देती है, कोई इंटरटेनिंग मूवी भी आपको अच्छी लगती है, व्हाई डू यू वांट टू सी इट अगेन, है ना। सो पंजाबी मूवीज दे आर वेरी यू नो लाइट एंड दे आर स्ट्रेस बस्टर्स। फिर मैं क्यू कार्ड करने लग जाऊंगी। अब ये है एडिशनल पैकेज आपका है एंड इट इज़ फॉर 199, सॉरी इट इज़ अ मिसप्रिंट, इट इज़ फॉर 199 ईच। ग्रामर है एंड टॉपिक वाइज एसेज है, मोस्ट कॉमनली यूज सिनोनिम्स है, ये आप ले सकते हो। देन डिस्क्राइब अ मूवी यू वॉन्ट टू वॉच अगेन, ये ऑलरेडी मैंने कर दिया, ये उसने फिर से टाइप कर दिया होगा। वॉट मूवी इज अबाउट, किस किस चीज़ के बारे में थे एंड विद होम यू सॉ इट, वाई डू यू वॉन्ट टू वॉच दिस, स्ट्रेस बस्टर है, जो भी है, इट गिव्स यू सम लेसन। तो क्यू कार्ड नहीं करूँगी एंड दिस इज माई रिजल्ट दैट हैज रिसेंटली कम अप। राहुल कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, इसने बच्चे ने बस ब्लाइंडली मेरे को फॉलो किया है और काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद, एटलीस्ट आई थिंक 4 to 5 अटैम्प्ट्स के बाद इसको ये रिजल्ट 6.5 मिला है। एनी वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इज वेरी हैप्पी। इंटरेस्टिंग एनिमल वेयर यू फर्स्ट सॉ एंड वाइज इन, अब इंटरेस्टिंग एनिमल आप, अब मैम कौन सा करूँ, तो मेरे को ईजी लगता होगा एलिफेंट करना, क्योंकि एलिफेंट ही हैज़ अ ट्रंक और यू कैन यू नो डिस्क्राइब इट हाउ इट इज़ डिफरेंट, वॉट ऑल ही द एलिफेंट कैन डू विद द ट्रंक एंड दिस इज वन वंस अगेन। रिजल्ट तो बहुत हैं, आई कॉन्ट डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू मेट एट ए पार्टी। हाँ, अब यहाँ पर आप गड़बड़ करते हो, डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन में ही टिक जाते हो, एट अ पार्टी आप इंक्लूड ही नहीं करते हो एंड देयर फॉर यू विल गो रॉन्ग। सो प्लीज़ बी केयरफुल हेयर, उसमें पार्टी का सिनेरियो जरूर रख लेना, वेन यू मेट एंड वेयर यू मेट, इट कुड बी एनी पार्टी, बट कई बार यू नो द कैंडिडेट्स ओनली डू दिस, डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन, ये भूल ही जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना। ओके, सो अगेन कॉन्ग्रेट्स टू सिमरन, शी इज ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड वन। डिस्क्राइब अ वर्क यू कंप्लीटेड एज अ टीम, अच्छा ये पहले आ चुका है, डिस्क्राइब समथिंग यू डिड एज अ टीम। अब समथिंग और वर्क में बहुत फर्क है, लाइक वर्क में आ जाएगा कोई रिपोर्ट आपने की, ओके जैसे बिजनेस में, ये रिपोर्ट में आ जाएगा, कोई काम किया हो, जैसे कोई आपने सपोज टेबल बनाया हो, यू नो एज एट होम, यू नो यू असेंबल्ड टेबल दैट यू ब्रॉट फ्रॉम अमेजन, है ना, एंड देन यू असेंबल्ड इट एट होम। अब फिर मैं करने लग जाऊंगी, एक स्टेम्पो हो जाएगा एंड देन नाउ दिस इज अगेन, ये बिटिया ना सिर्फ मेरे को फॉलो करके ना, इसके देखो 8 बैंड्स इवेल्युएशन कराई थी इसने और 7 इन राइटिंग, जस्ट बाय फॉलोइंग मी यू कैन बी देयर नाउ। अच्छा, एक मैंने ये इंक्लूड किया है सऊदी अरेबिया में, देखो सारे इंटरनेशनल यू नो एग्जाम्स होते हैं और कहीं पे भी सेम ही होता है। सो स्पोर्ट्स विच इज फेमस इन योर कंट्री, तो मैंने लिख दिया कि क्रिकेट के बारे में जो फेमस हो, ये नहीं कि जो आप जो मर्जी बोलो कि फुटबॉल, अब फुटबॉल तो हमारा इतना फेमस नहीं है, सो इसलिए मैंने क्रिकेट लिख दिया है, ठीक है। सो अ होटल, ऑफ कोर्स इफ यू आर फ्रॉम बंगाल देन यू कैन आल्सो से फुटबॉल, और साउथ में आई थिंक सम यू नो कराटे एंड सम मलखम एंड ऑल दैट यू कैन आल्सो डिस्क्राइब दैट, सो इट शुड बी फेमस। ओके, देन अ होटल वेयर यू वॉन्ट टू स्टे, दिस इज ईजी, वेयर यू वॉन्ट टू स्टे, जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना क्यू कार्ड, वो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। अ पर्सन यू नो हु कुक्स वेल, ये तो बड़ा ईजी है, आप अपने मम्मा को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मदर, यू नो इट्स ईजी टू डिस्क्राइब, इट वॉज इन चेन्नई, है ना। अ टाइम वेन यू वर अफ्रेड, सो वेन यू वर अफ्रेड, सपोज यू वर लॉस्ट, वो भी कर सकते हो इसमें इंटीग्रेट, देखो कि यू वर लॉस्ट एंड यू वर अफ्रेड, एक कार्ड क्यू कार्ड था लॉस्ट के बारे में, तो दैट यू कैन ऑल्सो यूज। ओके, देन बिकॉज आई हैव डन दिस, आप उसमें आइडिया ले सकते हो। देन द लास्ट वन, अ टाइम वेन यू लाफ्ड एट अ प्लेस वेयर यू शुड नॉट हैव,
सो एक क्यू कार्ड था, व्हेन यू लाफ्ड एट द रॉन्ग टाइम देर इज डिफरेंस, रॉन्ग टाइम एंड अ प्लेस. सो हेयर आप थोड़ा प्लेस का ध्यान रखना. सो सपोज यू कैन इंक्लूड दैट इट वॉज अ पार्टी एंड यू लाफ्ड ऑन योर यू नो फ्रेंड हु वॉज यू नो वेरी सिक एंड शी वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड और वट एवर, मतलब ऐसी कहानी बनाना. प्लेस को यू शुड यू नो बी वेरी केयरफुल. थैंक यू एंड होप यू हैव लाइक द वीडियो. प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक.